सुप्रभात विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने प्रेमचंद की कहानी नादान दोस्त पढ़ा और उसका आधा भाग ही पूरा हुआ था। पेज नंबर 17 तक हमने कंप्लीट किया था और ये जाना था कि जिस तरह से चिड़िया के बच्चे होते हैं तो केशव और श्यामा में किस तरह की उत्सुकता पैदा होती है, तरह तरह के प्रश्न उनके दिमाग में आते हैं और फिर अंततः वो लोग फैसला करते हैं कि चिड़िया के बच्चों के लिए एक पानी की प्याली और थोड़े से चावल के दाने वो लोग रखेंगे। और मैंने आप लोगों को कार्य दिया था, क्या आपने वो कार्य पूरा किया? जिन बच्चों ने ये कार्य पूरा किया है वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, निसंदेह वो तारीफ़ के पात्र हैं, शाबाश। अब आगे आइए, कहानी में बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ से पेज नंबर 18। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आँख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया। हाँ, इसने तो गलती की ना, क्या ये गलत काम था कि प्याली से तेल को नीचे गिरा दिया? हाँ, इसने माँ से ये काम, ये माँ से पूछकर किया जा सकता था। माँ से पूछता तो शायद माँ इसको अच्छे बर्तन देती और सही सलाह देती कि उसको किस तरह से पानी रखना चाहिए, लेकिन इसने बड़ों की सलाह नहीं ली। खैर, आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन काम अच्छा करना चाह रहा था, एक अच्छे काम के लिए इसने ये काम किया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए, चांदनी यानी छांव, छाने के लिए यानी कि छाया करने के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? मतलब अटकलें लगाई जा रही हैं तरह तरह की। अगर छाना है, अगर छांव बनाना है धूप से बचाने के लिए, जो कपड़ा छाना है वो कैसे छाया जाएगा? अब सोच लेने भर से तो होगा नहीं, अब छाने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई कैसे वो कपड़ा टिकेगा ऊपर, और टिकेगा तो उसके लिए लकड़ियाँ कहाँ से आएंगी, उसके लिए छड़ियाँ कहाँ से आएंगी, बगैर छड़ियों के तो टिकेगा भी नहीं। तो केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। उधेड़ बुन मतलब कुछ का कुछ सोचना, कभी कुछ आइडिया लगाना, कभी कुछ आइडिया लगाना, दिमाग में तरह तरह के आइडियाज़ लेकर आना। आखिरकार उसने ये मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, माँ जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तो टोकरी तो ला पहले, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिमाकत निकालूंगा, हिकमत निकालूंगा। हिकमत का अर्थ होता है उपाय, कुछ ना कुछ उपाय निकल आएगा। श्यामा दौड़ कर टोकरी उठा ले आई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी की एक टहनी से टिका कर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, अब कैसे धूप आएगी? श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। अब भाई श्यामा का बड़ा भाई है केशव, और श्यामा को अपने बड़े भाई पे गर्व हो रहा है कि वाह मेरे बड़े भाई में कितना दिमाग है, जो मैं सोच भी नहीं पाई, जो मैं कर भी नहीं पाई वो मेरे बड़े भाई ने कर दिखाया। तो आप में से कितनों के छोटे भाई बहन हैं जो आप पर इतना गर्व करते हैं, है ना? आप भी कुछ अच्छा काम करेंगे और अपने छोटे भाई बहनों के आइडियाज़ को सुझाव दे देंगे, कुछ अच्छा सुझाव दे देंगे, तो वो भी आप पर इसी तरह से गर्व करेंगे जिस तरह से श्यामा ने अपने भाई केशव पे गर्व किया। आइए कहानी का दूसरा भाग देखते हैं, अब आगे क्या होता है। अब गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आँखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आँखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सटकनी खोल कर बाहर निकल आए। अब माँ से आँख बचाकर वो ये काम कर रहे हैं, है ना? यही गलती हो रही है जहाँ वो बड़ों की बिना इजाज़त के कार्य करते हैं, क्योंकि अभी बच्चे हैं और उनको तरह तरह के सलाह और मशवरे की ज़रूरत है। अब इन्हें इतना पता नहीं था कि किस तरह से कार्य किया जाना चाहिए और माँ की इजाज़त और माँ से सलाह लिए बिना ये लोग काम पर निकल पड़े। अब देखते हैं इसका क्या नतीजा इनको मिलता है। अंडों की हिफाजत की तैयारियाँ होने लगी। हिफाजत यानी सुरक्षा। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरह ज़्यादा दबाव पाता ज़रा सा हिल जाता। आप कभी स्टूल पर अगर चढ़े होंगे विद्यार्थियों, देखा होगा कि डगमगा सा जाता है
और कितना डर लगता है कि अगर कोई नीचे से ढंग से ना पकड़ पाया तो बस अब गिरे तब गिरे, वही हाल केशव का था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कारनेस पकड़ लेता और श्यामा को तभी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कारनेस पर था। श्यामा को कहाँ ध्यान कि कुर्सी को किस तरह से पकड़ना, उसका सारा ध्यान तो ऊपर कारनेस पर टिका हुआ था। आप देख रहे हैं तस्वीर में किस तरह से वो पूरा ऊपर ध्यान से एकदम देख रही है। बार बार उसका ध्यान ऊपर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते, फिर हिल जाती कुर्सी। केशव ने जो ही कारनेस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई फुर। अब आगे की कहानी अगली कक्षा में देखेंगे। इससे संबंधित प्रश्न मैं आज आपको दूंगी, वो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में हल करेंगे। धन्यवाद।